हमारा घर नहीं तोड़े जाए, जमीन हमें मिले, जगह मिले, जमीन मिले, घर मिले, मकान मिले। हमारी जवान जवान लड़की लेटरी जाती, आदमी बदनिगाह देखते हैं। हम तो बहुत खुश हो गए हैं। अब हमारे सबके मुँह में रौनक आ गई। हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जगह देंगे, जमीन देंगे, रहने के लिए तुमको ठिकाना देंगे, पानी बत्ती देंगे। अब हम जवान जवान लड़की सुकून में है, बैठे हैं। हमको खाने में अच्छा लग रहा, पीने में अच्छा लग रहा। और जो पहले कहा था तो हम सब लोग मरे मरे थे। हम अब अच्छा लगा रहा, महसूस हो रहा है कि हमारा घर द्वार नहीं तोड़ा जा रहा। झुग्गी झोपड़ी आराम से रह रही है। अब सुकून मिल रहा है थोड़ा बहुत कि हमें सहायता मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। अब देखे हमने, हमारे बाप दादे गुजर गए रहते रहते, अब जब सब शहर बन गया, हमें लोग को भगाने को शुरू कर दिया। और बगैर हम क्या पाए जगह जमीन को। हमारी जवान जवान लड़की है, नहाने को टट्टी को परेशानी होती सब कहीं। और आज की तारीख और 2023 जनवरी की तारीख अगर याद की जाए तो आपने देखा होगा जनवरी में जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट में आई हुई थी, ग्राउंड रिपोर्ट पर हल्द्वानी में, उस वक्त चेहरे सूखे में नजर आ रहे थे। महिलाएं परेशान थी, रोड पर हजारों की संख्या में महिलाएं रो रही थी, कहीं दुआएं कर रही थी। लेकिन आज जो चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, आज मुझे भी खुशी हो रही है। इसलिए कि जनवरी में जब मैं आई थी कड़कती हुई सर्दी में, उस वक्त लोग काफी परेशान थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर मेरे घर तोड़ दिए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेट चाहिए नैनीताल हाईकोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या है, सुनवाई के दौरान 5 जनवरी को कि 2 मई को सुनवाई होगी और उत्तराखंड सरकार जवाब दे कि क्या 50,000 जो लोगों को बेघर करने की तैयारी की गई थी उनके लिए क्या पुनर्वास की तैयारी हुई है, घर बनाया गया है या नहीं बनाया गया। आज मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ क्योंकि मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है जब तक उत्तराखंड सरकार इनको जमीन नहीं देती, घर बना करके नहीं देती है, तब तक घर नहीं तोड़े जाएंगे। कई महिलाएं यहाँ पर शामिल है, सभी से मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि आप बुजुर्ग हैं यहाँ पर, आप ये बताएं जनवरी का महीना आप लोग काफी खौफ में थी कि घर तोड़ दिए जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे बुजुर्ग रोते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई की है कि 2 मई को सुनवाई फिर से होगी। अगर आपके पास घर बना करके दिया जाता तभी आपके घर तोड़े जाएंगे, ऐसे नहीं टूटेंगे, नहीं तोड़े जाएंगे। हमारा घर ऐसे नहीं तोड़े जाएंगे, हमारा घर नहीं तोड़े जाए, जमीन हमें मिले, जगह मिले, जमीन मिले, घर मिले, मकान मिले। हमारी जवान जवान लड़की लेटरी जाती, आदमी बदनिगाह देखते हैं, लेटरी को जाती बदनिगाह देखते हैं, पानी भरने को जाते बदनिगाह देखते हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे, हम बुजुर्ग हो गए आते आते जाते जाते, तो यह जगह जमीन की सुनवाई नहीं, हम लोग कहाँ जाएं। पहले हमारा गला काटो, जब हमें को जमीन दो, हमारे बच्चों को सम्मान डालो, हमारे जब बच्चे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर बना करके सरकार देगी तब आपको हटाए जाएंगे, ऐसे नहीं हटाएंगे। अब इस सुनवाई से आप खुश हैं आप लोग? हमें को ऐसे नहीं हटाए जाएंगे, हमें जगह जमीन देने को कहा, सब सपोर्ट देने को कहा, जब हम हटाए जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, बताएं, आप बताएं, जैसे पहले ऐसा था कि बुलडोजर सीधे चला दिया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला लिया है कि जब तक आप लोगों को पुनर्वास नहीं किया जाता है, घर नहीं बना करके दिया जाता है, तब तक नहीं हटाए जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से आप लोग खुश हैं अब? हाँ, हम तो बहुत खुश हो गए हैं। अब हमारे सबके मुँह में रौनक आ गई। हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जगह देंगे, जमीन देंगे, रहने के लिए तुमको ठिकाना देंगे, पानी बत्ती देंगे। अब हम जवान जवान लड़की सुकून में है, बैठे हैं। हमको खाने में अच्छा लग रहा, पीने में अच्छा लग रहा। और जो पहले कहा था तो हम सब लोग मरे मरे थे। हमारे बच्चे देख रहे बिस्तर सामान कैसे उठाएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर बैठेंगे, सड़कों में जाएंगे सब आदमी की नजर पड़ेगी। ऐसा हमको देव जगह जमीन, हमारी जवान जवान लड़की की इज्जत रुक जावे, हमारा लेटरिन पेशाब करने के लिए हमको आराम हो जावे। अब सुप्रीम कोर्ट में बात भाई कि हमको अब अच्छा लगा है, अब खुश है, अब हम खुश हो गए, बिल्कुल आराम से आजाद पंछी हो गए हैं जी। हमको आधी रोटी खाने में अच्छी लग रही, नॉन साथ रोटी खाने में अच्छी लग रही, जगह जमीन हमको सिर्फ दे दो, बस तुम्हारी यही ख्वाहिश है। जमीन आप लोगों को यहाँ से बुलडोजर के द्वारा हटाया जाता, घर तोड़ दिए जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब तक आप घर बना करके नहीं देंगे रहने के लिए तब तक घर से नहीं हटाएंगे। अब खुश हैं आप लोग? अब
खुश हैं, अब अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हमारा घर द्वार नहीं तोड़ा जा रहा, झुग्गी झोपड़ी आराम से रह रही है, अब सुकून मिल रहा है थोड़ा बहुत कि हमें सहायता मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, अब देखो आगे क्या होता है। 2 मई को सुनवाई होगी फिर से। अच्छा, अब अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह मालिक है, और क्या, यानी आप लोगों के हक में भला होगा ये उम्मीद है। तो है, उम्मीद लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कब आएगा पता, कब होगी खबर, सच्ची बात होगी। अब मोदी भी दिला दे थोड़ी बहुत जगह, सहायता हो जाएगी हमारे भी लोगों की, क्या करे, अब खाली झुग्गी झोपड़ी में बैठे। बोलिए बोलिए। ये जगह जमीन कोई नहीं थे, पूरा ये खाली था, जब से हमारे भैया पर पड़े थे, हमने हमारे बाप दादे गुजर गए रहते रहते, अब जब सब शहर बन गया हमें लोग को भगाने को शुरू कर दिया, और बगैर हम क्या पाए जगह जमीन को, हमारी जवान जवान लड़की है, नहाने को पर टट्टी को परेशानी होती, सब कहीं परेशानी होती, हमें ऐसा कोई भगाओ, हमें कहीं जगह जमीन दे बहन, जगह जमीन के मारे दे, हमें बैठा दे, हमारा भी दिल बढ़िया हो जाए। अब ये क्या जाए हम आपके पास, अब 1 महीने के बाद देखा जाएगा इसके। मई में सुनवाई होगी, और मई में सुनवाई जो आइए, बोले क्या बोलना चाहेंगे। पानी में बहुत पागल हो गए, कौन है पागल ये हो गया कि हमको जगह मिलने खुश हो गए हैं, और क्या जगह मिली है। अच्छा आइए इधर इधर आइए, सामने आइए, एक मिनट शांति आप लोग बनाए रखे हैं। पहले ऐसा था जनवरी का महीना में कि आप लोगों का घर तोड़ दिया जाता, शांति बनाए रखे हैं। पहले ऐसा था कि जनवरी में आप लोगों के घर पर बुलडोजर चलता, और उस वक्त कोई जमीन देने की बात नहीं हुई, घर देने की बात नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है सरकार, या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड सरकार जो है वो घर बना करके दे, रेलवे विभाग घर बना करके दे, उसके बाद ही घर तोड़े जाएंगे। क्या इस सुनवाई से आप लोग खुश हैं? अब ये तो खुशी की बात है, मतलब ऐसा है सुप्रीम कोर्ट जो है तो उसने हाई कोर्ट का हम गुजारिश करते हैं, हाई कोर्ट ने वो रोक दिया, उसकी बड़ी हम गुजारिश करते हैं, कैसे कि हमारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाते हैं, जब झुग्गी झोपड़ी मकान टूटता तो बच्चे कहाँ जाते हैं। 3 महीने के लिए उसने हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया है, रोक दिया है, अब उसकी हम गुजारिश करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं उसकी, जो हमें को 3 महीने के रिहाई कर दिया, मई को 3 मई या 5 मई को उसने ऑर्डर किया है कि इतना 2 मई को सुनवाई होगी, दो मई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का हम गुजारिश करते हैं कि 2 मई के लिए उससे पहले हमें कहीं पर बसा दिया जाए और फिर उजाड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप लोग खुश हैं कि आप लोगों को पहले घर दिया जाएगा, बसाया जाएगा, उसके बाद अभी सुनवाई होगी फिर से। मैं ये कह रही हूँ, सरकार से ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपने रोक दिया तो हमारी अच्छाई है, क्योंकि उस टाइम ठंड थी, फुल जाड़ा था, उस टाइम में बच्चों को लेके कहाँ इधर उधर जाते, तो आपने हमें तरस खाया और देखा गरीब आदमी को, तो हमें रोक दिया, 3 महीने का रोक दे दिया, मोहलत दे दिया। अब हम ये कहते हैं कि आपने जैसे हमारे गरीब आदमी को देखा है मेहनत, जैसे हमें देखा कि आप ठंड में कहाँ जाओगे, आप वैसे ही हमारी सहायता करो कि हम रहने के लिए छत कहाँ पाएंगे, अगर हमारे छत मिल जाएंगे ना तो हमें किसी से कोई गिला नहीं होगा, अगर जब हमारे यहाँ छत ही नहीं होगा तो हम किसके यहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे, रोटों में आ जाएंगे। हम तो कहते हैं बेशक आप अतिक्रमण करो, हमसे कोई गिला शिकवा नहीं, ये है कि थोड़ा बहुत हमें कोई ठिकाना मिल जाए, अपने ठिकाने में रह जाए। हम तो सरकार से यही बोलेंगे, ना आगे बोलेंगे ना पाचे, ये हमारी एक बोल है, ये क्यों पानी छत घर, हमारा अपना मकान होना चाहिए, हमारा भी अपना मकान, हमारे बच्चे स्कूल में जाए पढ़ने के।